जिन नेताओं को हमने विधानसभा और लोकसभा में भेजा वो चूड़ियां पहन के बैठ जाते हैं, उनके मुंह के ताले लगे हुए, इनमें ऐसा डर पैदा करें ताकि ये आवाज भी ना बुलंद करें। सर, मैं राजस्थान सीकर से अरविंद कुमार एडवोकेट। हम दिल्ली आए थे तो हम लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ये जो भी संगठन बन रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सुन करके भेज देते हैं, वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। ऐसा क्या है कि वो जाकर के पार्टीबाजी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टियां मिल जाती है। हमने राजस्थान में भी है ना बहुजन समाज पार्टी को जिताया है, वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता है। मैं एडवोकेट कमल भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित परिषद राजस्थान। मैं अजमेर जिले ब्यावर से हूँ। मैं जय भगवान जाटव साहब जो राष्ट्रीय शोषित परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम संसद के आयोजक हैं, उन्होंने के निमंत्रण पर उन्होंने हमारे राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने विशेष रूप से पत्र लिखे और इन भीम संसद की जो 22 जो हमारी समाज की जो सबसे बड़ी मांगे हैं उनके ठोस जवाब और उनके समर्थन के लिए हम लोगों को बुलाया है। राजस्थान में जो बड़ा जो दलित अत्याचार हो रहा है, अभी पिछले एक सालों से राजस्थान पूरे संसार में सुर्खियों पे छाया हुआ है, चाहे वो जितेंद्र हत्याकांड हो और चाहे हमारा छोटा बच्चा जो इंदर अभी गुजर गया जिसके लिए चार्जशीट भी पेश हो गई है। तो मैं जय भगवान जाटव साहब से बिफोर पिछले करीबन 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो जय भगवान जाटव साहब ने जो 22 जो मांगे रखी है ये 2005 में 51वीं जो योजना आयोग के साथ जो बैठक हुई थी जिसमें प्रोफेसर योगेंद्र जी जाटव साहब थे और मनमोहन सिंह जी भी उस में आए थे उस बैठक में और इनकी तमाम मांगों पर सहमति जताई, आदेश जारी किए, लेकिन उनका एक भी कदम आज तक नहीं बढ़ाया गया। ये बड़े दुख की बात है। और जिस तरीके से जो निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से आज निजीकरण किया जा रहा है, बैंक को बेचा जा रहा है, बेल को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा जा रहा है, ये भारत सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कोई बाप की जागीर नहीं है। ये भारत की इस बड़ी पृष्ठभूमि पे खड़ी हुई ये रेल है जिनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश का जुआ जाग गया है और वो इस देश को बेच नहीं सकते हैं और इसके लिए ही हमारा ये भीम संसद का आगाज है, ये हमारा टेलर है, अभी हमारी पूरी फिल्म बाकी है। ये इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, मैं सिर्फ उससे मात्र 72 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। मैं सांचौर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में और मैं इंद्र के घर पे गया और जो इसकी जांच कर रहे थे एडिशनल SP डॉक्टर अनुकृति उजैनिया, वो भी हमारी समाज से है। वहाँ से जो SP है डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाला, वो भी हमारे ही जाटव समाज से हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। हमने उनसे हमारी बात को कहा कि इस बच्चे को मारा गया है, मटकी को गायब की गई है, शोषण हुआ है, लेकिन उन्होंने जाँच की और अभी परसों ही चार्जशीट पेश कर दी गई है। कारण क्या है कि सर, सदियों से हम लोग पिछड़े हुए हैं वहाँ और जिन नेताओं को हमने विधानसभा और लोकसभा में भेजा वो चूड़ियां पहन के बैठ जाते हैं, उनके मुंह के ताले लगे हुए। डांगावास हत्याकांड हुआ 14 मई 2015 को, डांगावास हत्याकांड हुआ मेड़ता के, आप सभी को पता है उसमें हमारे 6 भाई की हत्या हो गई, 10 बहन बेटियों के बड़े बहरहमी से बलात्कार किए गए। एकमात्र कोटा से केशर ऑफ रामगंज मंडी से हमारी चंद्रकांता मेघवाल बहन थी, वो उस हमारे उस वहाँ बीड़ी पीने के लिए आई, कोई भी नेता नहीं आया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जबकि अर्जुन मेघवाल साहब जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज जो नेता लोग बैठे थे, नियाल चंद जी सांसद, 2 सांसद हमारे राजस्थान से बैठे हुए, एक भी नहीं आया। हमारी बहन मायावती, वो भी नहीं, इसलिए हमारे समाज की हाई लगी है और वो स्वयं खत्म हो गई है। भीम संसद के माध्यम से जो हमने जो 22 जो मुद्दे रखे हैं वो 22 मुद्दे नहीं, हमारे पूरे देश के दलित बहुजनों की मन की दर्द की आवाज़ है, वो बिल्कुल पटल पे आने वाली है और जल्दी इसके बड़े जो सरकार है इससे हिलने वाली है। उसमें सर क्या है, कुछ लोग गरीब लोग हैं तो उनको कुछ लालच दिया जाता है और उसको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है, लालच दिया जाता है, इस कारण से वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा के सुविधा का अभाव है और उनको जनता को लालच दे करके वो सत्ता दोबारा हासिल कर लेते हैं। क्योंकि सबसे मोटी समस्या इसमें खड़े होने की बात ये है कि खड़ा होता है उसके ऊपर
फिर अत्याचार होता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपरी वहाँ के लोग जो जनरल कास्ट के हैं या सामान्य वर्ग के हैं उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, उसको इस प्रताड़ना को और ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं इसमें सबसे मोटी कमी यही मानता हूँ, और वो एकजुट नहीं है, जाति के नाम पर बटा हुआ है। मैं ये मानता हूँ बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, अगर उनमें से अपन 10 तो छोड़ो 10 प्रतिज्ञाएँ भी अपना लेते हैं तो ये जातिवाद खत्म हो जाता है। अब जातियों में जब तक बटे रहेंगे, जब तक अलग अलग बटे रहेंगे, जाति के बाद में गोत्र हैं। बाबा साहब ने इन 6,743 जातियों को केवल 3 जातियों में बांट दिया था, SC ST OBC, लेकिन अब भी अपन उन्हीं 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। अत्याचार जाति के कारण होता है, जब तक अपन जाति को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। बिजनेस में भी आ रहे हैं, हुक्मरान भी बन रहे हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। जो भी संविधान में बाबा साहब ने अवसर दिया था वो अवसर अभी तक मिला ही नहीं है। इन नेताओं ने कहा था कि 10 साल में हम आपको बराबर कर देंगे, आज तक बराबर नहीं हुआ, 75 साल हो गए। हमारा भला नहीं कर रहे हैं ना वो, तो जाके पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। अभी भी अपन देखते हैं देश में कितने, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, ये खत्म होना चाहिए। ये जो जातिवाद का जो बीज को बोया है वो 3,000 सालों से भी, तो एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के उसका खात्मा करने का प्रयास किया है, और हमें भारत के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हमारे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े अधिकारी है, उनके घरों में संविधान नहीं मिलेगा, गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, और वो संतों की वाणी खाते हैं, कबीरदास जी की, रिदास जी की, उनकी वाणियों को भी फ्लो नहीं करते हैं। तो ये हमारी बड़ी, और जब वो फ्यूज बल्ब बन के रिटायर्ड होकर आ जाते हैं फिर हमारे नेता बनने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ा ये जो ख़त्म नहीं हो रहा है उसका कारण ही हमारे समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियाँ है, बुराइयाँ है, शराब है, मांस है, गरीब आदमी की बेटियों से संबंधी बनाना, दहेज की ऐसी लालसा लोगों में बढ़ गई है। जो सोफा सेट पर बैठने वाला जमात है हमारे समाज की, पढ़ लिख कर नौकरी लग गए, वो गरीब समाज की फटी हुई गुदड़ी पर बैठना ही नहीं चाहता है। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं सर, लेकिन उनको हमारे जो राजनेता है जिनको हमने 75 साल से संसद में और विधानसभा में पहुँचाया है, वो थोड़ा बहुत भी अगर उनमें शर्म है और वो सोचे तो समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं इस भीम संसद में भाग लेने के लिए, मेरा नाम भंवर लाल जेलिया, मैं सीमांत रेगिस्तान बाड़मेर जिले से आया हूँ, और इस भीम संसद में मैंने जिला बाड़मेर राजस्थान और पूरे रेगिस्तान की आवाज़ को बुलंद करने का हमारा मानस है। हम अपने विचारों द्वारा इस हमारे सीमांत बाड़मेर की जो दशा और दिशा है उसको आज तय करेंगे। यह दूसरा दिन है और हमारा जो दलित पीड़ित उत्पीड़ित वर्ग है बहुत ही परेशान है। इसमें मुख्य जिम्मेवार हम सरकार को ठहराने की बजाय हम अपन खुद को ही माने कि हमारे में कई कमियां और कई बुराइयां हैं जिसके कारण हम आपस में जाति और गोत्रों में बंटे हुए हैं, और हम जाति से बाहर शिक्षित होकर संगठित होकर आगे बढ़ने की और पहल नहीं कर रहे हैं। तो युवाओं से और हम बुजुर्ग लोग ये आशा करते हैं हम अपनी ओजपूर्ण वाणी से एकता और संगठन निर्माण और सामूहिक आंदोलन आंदोलित होके हमारे समाज को दिशा देवें और सही रास्ते पे आ जाए। और मैं सभी क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता है उनको क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम के साथ, मीडिया आप लोगों ने हमारी बात सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और साधुवाद। मेरा निजी मान्यता यह है कि जब मैं छोटी उम्र में 8वीं क्लास से था तब तो शोषण का रूप मेरे को दिखने में मिला ही नहीं। मैंने बाड़मेर स्थानीय शहर में पढ़ाई की, उसके बाद हायर सेकेंडरी में आया तो वहाँ कुछ जातिवाद होता क्या है ये समझना शुरू किया, और जब मैं आज तो उस समय छुआछूत भेदभाव वगैरह होता था, बहुत मटकी पाने की अलग रखी जाती थी और ये, और सीनियर में पहुंचने के बाद, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मैं वयस्क हुआ तो मुझे अनुभूति हुई कि
हमारा समाज बहुत ही सोया हुआ है, हमारे साथ बहुत ही शोषण अत्याचार और दमन हो रहा है। इसका मूल कारण जैसे हमारे साथ भेदभाव करना, छुआछूत करना, सामूहिक पानी नहीं पीने देना, मूछें नहीं रख देना, घोड़ी पर बैठने नहीं देना दूल्हे को, इस तरह की घटनाएं हुई थी। और मेरे खुद की शादी सगाई का और शादी का समय था तो मुझे पीड़ित और प्रताड़ित होके सगाई का छोड़ के भागना पड़ा। ये मेरी निजी और व्यथा है। इसलिए उसके बाद मैंने वामपंथी संगठनों के साथ काम करना शुरू किया। मेरे में शिक्षा की क्रांति आई, कॉलेज का विद्यार्थी बना और मैंने ये सामाजिक संगठनों और बाबा साहब की विचारधारा को ग्रहण किया। साथ में वामपंथी विचारधाराओं से भी मुझे बल मिला और मीडिया का भी सहयोग रहा। ये हमारी बहुत ही हृदय परिवर्तन की बात है। जब छोटी सी उम्र में घर से बाहर जब स्कूल निकला तब मुझे पता चला कि स्कूल के अंदर बच्चे अलग अलग बैठ रहे हैं, हमको भी अलग बिठाया जाता, लेकिन हमें वो भान नहीं था कि ये जाति भेद है या आप नीचे हो वो ऊपर है, ऐसा पता नहीं था। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़े, जब आज इस उम्र में आए हैं तो हमें पता चला कि आज भी वो जहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और वो दिनों दिन बढ़ता जाने का कारण यही है कि इन लोगों में अब शिक्षा क्यों आई है। थोड़ी बहुत हम लोगों में, हमें एस सी एस टी के लोगों में शिक्षा आई तो इन लोगों को खलक रहा है कि भी ये शिक्षित होकर हमारे सामने बोल रहे हैं, हमारे बराबर में आ रहे हैं। इसलिए उनमें ये दुख हो रहा है कि इनको घेरे कैसे, ताकि इनमें ऐसा डर पैदा करें ताकि ये आवाज़ भी ना बुलंद करें। लेकिन अब हमारा युवा एस सी एस टी वर्ग जाग चुका है, शिक्षा भी उनमें आई है, हमारा समाज आगे भी बढ़ा है, इसलिए वो उनसे टक्कर लेने के लिए सामने आए हैं तो उनको और ज़्यादा पीड़ा हो रही है। और दूसरी बात, आज हम दिल्ली में आए हैं तो ये एक हमारा सत्र जो भीम संसद चल रहा है वो हमारी पूरे भारतवर्ष की नहीं बल्कि पूरे हर प्रदेश स्तर की सामान्य समस्या है। जैसे ऊंच नीच की हो, भेदभाव की हो, जैसे हमारे राजस्थान के जालौर जिले में तो जहाँ का मैं निवासी हूँ मूल, राजस्थान में बहुजन वकील कम से कम नॉर्मल 10 से 15 ही होंगे आज दिन तक। और एससी एसटी का तो मैं एक मात्र सांचौर जिले के सांचौर तहसील में एक ही हूँ। हाईकोर्ट में कितने? हाईकोर्ट में 15-20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, राजस्थान लेवल में हर जिले में जैसे जैसे हमारा जालौर है, वहाँ पूरा जालौर जिले के जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो तहसील स्तर के ले लो, एसडीओ ले लो, वहाँ मिला करके 5-5 तो वकील है हमारे एस सी एस टी। क्यों? हमको शिक्षा से इन नेताओं ने दूर रखा। पॉलिसियाँ जो बनती हमारे नेता चुन के जो भेजते हैं हम, वो हमारी बात वहाँ नहीं रखते। इसलिए आज ये कई वर्षों के बाद में ऐसा दिमाग में आया हमारे महामना लोगों के जो आगे कही थे, उनके दिमाग में आया कि हमारी समस्या कोई नेता सुन रहा नहीं है, इसलिए ये भीम सत्र बुलाया गया ताकि हमारी समस्या को इसके माध्यम से संसद में और विधानसभा में पहुंचाया जाए। बिल्कुल, अब संगठन बिल्कुल अब संगठन की ओर चल रहे नहीं है तो हम लड़ रहे इसी चीज की, ताकि हम किसी समस्या से लड़े तो एकत्रित होकर के ही लड़ सकते हैं। यही मिशन हमारा चल रहा है। बिल्कुल, हम पीड़ित और दुखित है और इसीलिए हम इस जगह से आए हैं, इस भीम संसद में, और वहाँ जाकर के हम इसी मैनिफेस्टो के आधार पर काम करेंगे, एकजुटता के आधार पर। आने वाले समय में जो 24 में चुनाव है या जो भी आगे चुनाव होंगे, उनमें सोच समझ करके जो हमारी आवाज़ बंद करके जहाँ जाएगा विधानसभा या लोकसभा में, उसको हम वोटिंग करें। लेकिन धोखे के लिए अब वो बिकने वाले लोगों को नहीं, अब युवा वर्ग में जो भी जैसे एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे भेजने की कोशिश करें। एक बार और हो जाएगा तो हम सत्ता की ओर जाएंगे, डेफिनेट सत्ता मिलेगी हमारी। ये हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमारा ही होगा और पार्लियामेंट हमारी होगी। और अभी भी ये बताते हैं, जब तक हम उस 2 अप्रैल को जो शहीद हुए थे हमारे लोग, अब जो एक बार और हो जाएगा ना तो फिर वो हर हर फिल्म तो अभी बाकी है। नहीं, अपने समाज को नहीं, हमारे साथ जो पकड़वादी कर रहे हैं वो लोग जो हमारे 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 वोट लेके हमारे वोट लेके हमारे भी तलवार यानी हमारे अधिकारों पर तलवार चलाने। देखो सर, मेरी मैं अब हमारी जो है ना, जो कहते हैं ना सर, की बैल जब बिना नकेल के जो घूमता है ना, जवाबदेही के लिए हम सामूहिक संगठन का गठन करेंगे। और चूंकि दलित वर्ग एस सी एस टी ओ बी सी को न्याय की बात तो अलग है, सामान्य गरीब वर्ग को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखी बात है। गरीब और अमीर की लड़ाई है और साथ में ये शोषित और वंचित वर्ग की लड़ाई की बात है।
ये दोनों विचारधाराओं को साथ में लाना पड़ेगा और इसके लिए हम वामपंथी विचारों का अनुसरण करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का अनुसरण करेंगे। इसके हम जो वर्कर लोग हैं, हम जो बुजुर्ग लोग हैं, वर्कर लोग हैं, हमारी जो राष्ट्रीय शोषित मंच है ये इस दिशा में स्टडी करके उसके उपरांत साहित्य और क्लासें शिविर लगा के इस तरह का ग्राम ग्राम डानी डानी आयोजन करके हम जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जिस तरह वो व्यवस्था है उसका प्रतिकार करने के लिए संगठित होकर जुल्म को मिटाने के लिए एक मंच पे आगे बढ़ेंगे। और आपने भी हमें जो ये बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने हमें एक होने के लिए और समस्या का निजात कैसे पाए इसके लिए संगठित होने की मंच बनाने की बात आपने सहयोगपूर्ण कही, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज मीडिया भी गरीब और दलित वर्ग की आवाज़ को उठा रहा है। हमें यहाँ दिल्ली आने पे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मैं जालौर जिलों की आपने घटना सुनी, इंद्रपाल की घटना सुनी, जिधर मेघवाल की घटना सुनी, और मैं बाड़मेर से अभी लगातार घटना हो रही है, मैं बाड़मेर के रहता हूं और वहां भी घटना हो रही है। अगर लगातार ऐसी घटना होती रही तो कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी की स्थिति, अगर बीजेपी अच्छा कर रही है बड़े पैमाने पे तो बीजेपी का राज है, लेकिन बीजेपी भी हमारे साथ अनुसरण कर रही है। यूपी के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, सब इतने बड़े बड़ी घटना हो रही है, मीडिया उसको छुपा रही है। सबसे बड़ी बात है सर कि अभी जो पिछली बार भाजपा सरकार थी, इस बार के कांग्रेस सरकार में अत्याचार कम होंगे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी कहा कि हम दलितों के हितेशी हैं, एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे हटा देंगे। उनकी सरकार जाने के थोड़े दिन बचे, अभी तक मुकदमे तक नहीं हटे हैं, जो हमारे दलित भाइयों जो पढ़े लिखे बहुत सारे उन पर अड़चने भी आ रही है। तो राजस्थान में क्या है कि सर तीसरा मोर्चा काम करेगा, मुझे लगता है कि शायद जो तीसरा मोर्चा जहाँ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, वहाँ हम लोगों ने बहन मायावती के 6 हमारे विधायकों को जिताया, वो भी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो हमारे पास एक हमारे बहुजन है ऐसा, हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद है, हमें अब हमारे पूरा दलित समाज उसकी ओर अग्रसर होगा। एक तीसरा मोर्चा हमने राजस्थान विकास मंच का गठन पहले से ही कर लिया है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से हमने शुरुआत की, निम्बाहेड़ा में मीटिंग की और पूरे राजस्थान उदयपुर संभाग से शुरू करते हुए उसके बाद जोधपुर संभाग में हमने ये गठन किया है। ये बाड़मेर से अजमेर में हमने गोपनीय मीटिंग की है और ये हमारा सिलसिला आधे राजस्थान में करीब करीब पूर्ण हो चुका है और इसके हमारे सभापति भूतपूर्व चेयरमैन रेलवे भर्ती बोर्ड श्री लक्ष्मण सिंह सिंगारिया रहे हैं। जो समस्याओं की जड़ है वो कांग्रेस, जो समस्या पैदा कांग्रेस करती है उनका इम्प्लीमेंट बीजेपी कर लेती है और बीजेपी के राज में जो ऐसी गलत पॉलिसियां ला करके तैयार की जाती है उसका इम्प्लीमेंट कांग्रेस कर लेती है। इसलिए हमारा बहुजन मूवमेंट जो पूरा है SC ST कम्युनिटी और बहुजन दोनों ही, ये पूरा का पूरा वर्ग इन दोनों पार्टियों से उब चुका है, इसलिए अब ये पूरा का पूरा वर्ग तीसरे मोर्चे की तलाश में और तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। राजस्थान का समाज यही कहता परिवर्तन, बिल्कुल ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी सापनाथ और नागनाथ है। परिवर्तन की बात यही है कि राजस्थान का निवासी हो न तो बहन मायावती जी हो और राजस्थान का बाहर कोई नेता हो, राजस्थान फर्स्ट राजस्थानी फर्स्ट ये हमारा नारा होगा और हम उस तरह से गठबंधन करेंगे, यही हमारा विकल्प। जय भीम, जय भीम।